हेलो फ्रेंड, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग आरसीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2004 टू 2016 व्हिच आर आस्क्ड इन एसएससी जेईई जूनियर इंजीनियर एग्जाम। हमारा फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी बीएमएफ स्लैब के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है 2009 क्वेश्चन है ये सारे जो भी हम डिस्कस करेंगे। द मॉडुलर रेशियो एम इज गिवन बाय 280 अपॉन सिग्मा सीबीसी, 280 अपॉन 2 सिग्मा सीबीसी, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। तो एज पर आईएस 456/2000 ने जो मॉडुलर रेशियो दिया है वो दिया है हमारा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एम बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। सीबीसी का मतलब है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन बेंडिंग कंप्रेशन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन बेंडिंग कंप्रेशन। एक बात और इस फॉर्मूले में है, इसकी खास बात वो ये है कि ये जो ये फॉर्मूला है ये केवल पार्शियल इफेक्ट ही अकाउंट फॉर करता है, पार्शियल इफेक्ट। अब जैसे श्रिंकेज हुआ, श्रिंकेज का ये केवल पार्शियल इफेक्ट ही अकाउंट फॉर करता है ये फॉर्मूला। तो अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाई क्या श्रिंकेज के लिए कितना इफेक्ट लेता है, तो वो पार्शियल इफेक्ट लेता है। ऑप्शन है आपको ये होगा पार्शियल इफेक्ट, तो आप पार्शियल इफेक्ट पे टिक कर देंगे। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात है मॉडुलर रेशियो का यूज़ क्या होता है। मॉडुलर रेशियो का यूज होता है नॉन होमोजीनियस सेक्शन से। अगर मान लो हमें होमोजीनियस सेक्शन बनाना है उस चीज का इसका यूज होता है। जैसे मान लो हमारा कोई सेक्शन है जिसमें कंक्रीट एंड स्टील दोनों डाला हुआ है, भाई टेंशन में आपने स्टील प्रोवाइड कर दिया, वैसे कंक्रीट का सेक्शन है, तो उस केस में आपको नॉन होमोजीनियस सेक्शन है कि दो का कॉम्बिनेशन है, आपको उसे होमोजीनियस सेक्शन बनाना है, तो उस केस में आप यूज करेंगे अपना मॉडुलर रेशियो। एक बात और, ये जनरली यूज होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस में। वर्किंग स्ट्रेस, ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज 1.15, 1.5, 1.95, 2.0। एज पर आईएस डिजाइन के इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो कंक्रीट के लिए लेता है वो होता है 1.5। और ये जो ये आप देख रहे हैं ये 1.15 वाला ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। इस तरीके से देखते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील है। तो आप कंक्रीट के साथ साथ स्टील का ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वह स्टील का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.15। लेकिन इस क्वेश्चन में कंक्रीट का पूछा है तो कंक्रीट का 1.5 है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका वो पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M200 कंक्रीट ग्रेड इज 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे M का क्या मतलब है, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे M का क्या मतलब है। M रेफर्स टू द मिक्स, पहली बार, एंड द नंबर टू बी स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 mm साइज। मतलब 150 mm साइज का हम जो भी हमारा साइज का हम क्यूब होगा वो हम यूज करेंगे, साइज का क्यूब 150 mm साइज क्यूब का क्यूब हम यूज करेंगे। m का मतलब होता है मिक्स,
150 mm का साइज हम यूज करेंगे, क्यों ये सब आई एस कि भाई 150 mm का यूज करो, ये सब आई एस 45 से 2000 का कहना है, ठीक है, यूज करो। 28 दिन के बाद इसकी स्ट्रेंथ चेक करो, 28 डेज के बाद इसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, इसे उनने बोल दिया है एफ सी जी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो 28 डेज के बाद जो M200 का वैल्यू जो आता है एफ सी के परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, वह आता है आपका 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम टू द टू बी विद इन परमिसिबल लिमिट, द रेशियो ऑफ इट्स स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ शुड नॉट एक्सीड 720, 26, 35। ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके हम एक टेबल मेमोराइज कर लेते हैं एक बार अगेन। इधर ले लेते हैं हम स्पैन, इधर ले लेते हैं बीम, टाइप्स ऑफ बीम, इधर लिख लेते हैं स्पैन बाय डेप्थ रेशियो। किस चीज का यूज होता है स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, ये यूज होता है हमारे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के लिए हम यूज करते हैं स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो। हम देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपना कैंटिलीवर, फिर हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम की, उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस बीम की। तो अगर कैंटिलीवर की बात हम करते हैं तो स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो होता है 7, सिंपली सपोर्टेड के केस में स्पैन बाय डेप्थ का रेशियो होता है आपका 20, एंड कॉन्टिन्यूस बीम के केस में आपका स्पैन बाय डेप्थ का आपका रेशियो होता है आपका 26। तो ये टेबल आप मेमोराइज रखिएगा, IS 456-2000 का रिकमेंडेशन है डिफ्लेक्शन के क्राइटेरिया के लिए। तो उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछा है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूछा गया, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका वैल्यू है आपका 20, स्पैन बाय डेप्थ, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, ये आपका स्मॉल डी है, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है, तो आपका ये आपका हो जाता है, इसलिए आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में कहता है वो द मिनिमम कवर ऑफ ए स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नो लेस देन 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर हम स्लैब की बात अगर हम करते हैं तो वो उसके लिए आई एस को ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि 50 mm और नोट लेस देन डायमीटर ऑफ बार, किसके लिए, स्लैब के लिए, या तो डायमीटर ऑफ बार वही 50 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो 50 mm नो लेस देन डायमीटर ऑफ बार, इसलिए इसका आंसर हो जाता है आपका फोर स्लैब केस में बी इज द करेक्ट आंसर, भाई नो लेस देन डायमीटर ऑफ बार एंड नो लेस देन 15 mm, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली कुछ और डाटा भी हम रिमेंबर रखेंगे जो कभी पूछे नहीं गए लेकिन एग्जाम में आपसे आगे पूछ सकता है। जैसे अगर हम कॉलम की बात करें फुटिंग के लिए जो क्लियर कवर होगा मेन रेनफोर्समेंट का, फुटिंग के केस में जो क्लियर कवर होगा वो होगा आपका 50 mm फुटिंग के केस में। अगर हम बीम की बात करें तो उसका वैल्यू होगा आपका 25 mm। अगर हम कोलम की बात करें तो कोलम के केस में आपका होगा 40 mm होगा, तब तक के लिए जब जो आपका डायमीटर ऑफ बार होगा वो कम होगा 12 mm से। अगर डायमीटर ऑफ बार आपका 12 mm से कम है और 25 mm अगर आपका होगा गलत, जब डायमीटर ऑफ बार जो है ना वो आपका 12 mm से ज़्यादा है तो आप लेंगे आपका 40 mm,
लेकिन अगर आपका डायमीटर ऑफ बार आपका मान लो 12 mm आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में आप कोलम के लिए क्लियर गन 40 mm नहीं लेंगे, उस केस में आप लेंगे 25 mm। ये आप क्लियर गन यूज करेंगे व्हेन यूज डायमीटर ऑफ बार इन द कोलम है 12 mm। ओके, सिमिलरली फ्लैट स्लैब की अगर हम बात करें, फ्लैट स्लैब, तो फ्लैट स्लैब के केस में जो होता है वो होता है आपका 20 mm। सिमिलरली इधर लिख लेते हैं ज़रा थोड़ा, अगर हम स्टेयर केस की बात अगर हम करते हैं, उसके केस में हम स्टेयर केस के केस में क्लियर का जो यूज़ करते हैं वो भी यूज़ करते हैं अपना 15 mm। अगर हम आर सी छज्जा मान लो कोई छज्जा है, अगर मान लो हम उसके लिए क्लियर का हम यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम 25 mm। तो ये हमने आपको एक्स्ट्रा डाटा जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये एक्स्ट्रा डाटा 6, ये सब याद रखेगा, पूछा नहीं गया लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाने वाला है या पूछा जा सकता है आपसे अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो भी आप एग्जाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड। आर लोड फैक्टर क्या है वो बात करता है आपसे। अब हम देखते हैं सबसे पहले लोड फैक्टर होता क्या है, कि भाई ये आपको पहले ऑप्शन 1.8 एंड 2.2, 2.2 एंड 1.5, 1.8 एंड 1.8, 2.2 एंड 2.2, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोड फैक्टर होता क्या है। तो लोड फैक्टर जो होता है, लोड फैक्टर वो होता है आपका फ्रेंड्स अल्टीमेट लोड टू द वर्किंग लोड। लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट लोड टू द वर्किंग लोड, ठीक है। तो उस केस में अगर हम ये दो लोड फैक्टर हो गया, अगर हम आई एफ 456-2000 को रेफर करते हैं, रेफर दिस, तो उसके में लोड फैक्टर जो वैल्यू दिया हुआ लाइव लोड एंड डेड लोड का वो दिया हुआ है 2.24 लाइव लोड एंड 1.54 डेड लोड। ये आपका आंसर होता है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज अवर वेबसाइट www.evalexam.in। इन दिस वेबसाइट आप करंट अफेयर्स फॉर SCJEE डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में फ्री, किसी एग्जाम की अपकमिंग आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर जैसे कि आप द हिंदू हुआ, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। SCJEE की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि आपकी जुलाई अगस्त के आसपास स्टार्ट होगी, SCJEE ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो जुलाई अगस्त के आसपास स्टार्ट होगी वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आकर हमारी www.evalexam.in पर आकर आप SCJEE के लिए ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।